आपके माध्यम से समस्त जो बाड़मेर के वोटर्स हैं और नागरिक हैं उनको ये बताना चाहूँगा कि अभी ईसीआई के द्वारा 16 अगस्त से 30 सितंबर के बीच में इलेक्टोरल वेरिफिकेशन प्रोग्राम चालू किया जा रहा है, जिसका मतलब मतदाता सत्यापन कार्यक्रम। किसी भी फैमिली के अंदर कोई भी व्यक्ति जो कि 18 साल का हुआ हो, 1/1/2020 को, आज से पहले तक की जो हमारी संदर्भ आयु थी वो 1/1/2019 तक अगर किसी ने 18 साल की आयु पूर्ण कर ली हो तो वो वोटर लिस्ट में अपना नाम जुड़वा सकता था, लेकिन अब इस संदर्भ तिथि को आगे बढ़ा करके 1/1/2020 के परिप्रेक्ष्य में कर दिया है। तो किसी भी फैमिली में अगर कोई भी जो नवयुवक है जो 1/1/2020 को जिसने अपनी आयु 18 साल पूर्ण कर ली हो तो वो उनको हम चिन्हित करेंगे ये इन 15 दिनों के दौरान में। प्लस समस्त मतदाताओं के लिए सीएससी सेंटर पर और ई मित्र पर ये भी सुविधा की गई है कि उनके नाम में मतदाता सूची में उनके नाम में, उनकी आयु में, उनके एपिक कार्ड में कहीं भी कोई त्रुटि है तो वो जाकर के अपना वेरिफिकेशन सीएससी सेंटर पर जाकर के करवाए, ई मित्र पर जाकर के करवाए और जो भी त्रुटि है उसको वो ठीक भी करवा सकता है। इसके बाद में 1 सितंबर से 30 सितंबर के बीच में प्रत्येक भाग का बीएलओ प्रत्येक घर का वेरिफिकेशन करेगा, प्लस उन व्यक्तियों को चिन्हित करेगा जिनकी डेथ हो चुकी है, शिफ्टेड हो चुके हैं, उनके नाम हटाने की कार्रवाई की जाएगी। प्लस जिन्होंने 18 साल की आयु 1/1/2020 को पूरी कर ली है उनसे 6 नंबर फॉर्म लेकर के उनके नाम जोड़े जाने की भी कार्रवाई बीएलओ के द्वारा की जाएगी। प्लस उस बूथ का भी बीएलओ के द्वारा चिन्हीकरण किया जाएगा जिस बूथ पर की वोटर के द्वारा मतदान किया जाना है, या वैकल्पिक जो भी बूथ बनाया जा सकेगा उसका भी चिन्हीकरण किया जाएगा। प्लस इस बार एक नई तरीके की इसमें विशेष बात ये होगी कि इसमें प्रत्येक मतदाता के घर का जियो टैगिंग भी किया जाएगा। अपने ऐप के माध्यम से, मोबाइल ऐप के माध्यम से बीएलओ उसके घर का जियो टैगिंग भी करेगा और उसके बाद में वहाँ का एक नजरी नक्शा भी बनाएगा। तो इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि हम हमारी मतदाता सूची को बिल्कुल हेल्थ वाइज बिल्कुल सटीक और सही बनाना चाहते हैं और सभी व्यक्तियों का नाम जो सही और योग्य हैं उन सब का नाम इस मतदाता सूची में आ जाए, उनका नाम जोड़ना इस कार्यक्रम के माध्यम से चाहते हैं जो पुनरीक्षण कार्यक्रम है। प्लस जो व्यक्ति जुड़ने से जो अब जुड़े नहीं रहने चाहिए जो कि शिफ्ट हो गए हैं या डेथ हो चुकी है उनके नाम मतदाता सूची से कट जाएँ, ये भी हम सुनिश्चित करेंगे इस कार्यक्रम के दौरान। और अंतिम रूप से 15 अक्टूबर 2019 को हमारी मतदाता सूचियों का प्रारूप प्रकाशन किया जाएगा और जनवरी 2020 में मतदाता सूचियों का अंतिम प्रकाशन किया जाएगा। मैं बताना चाहूँगा कि जो भी व्यक्ति अब मतदाता बनने के लायक हो गए हैं, अपनी आयु जिसने पूर्ण कर ली है, वो सभी इसमें बढ़ चढ़ करके भाग ले में इस कार्यक्रम में लोगों को भी जानकारी दें। हम लोग भी स्वीप के एक्टिविटी कार्यक्रम करके लोगों को जानकारी भी देंगे और सब लोग आकर के अपना नाम जुड़वाएँ और नाम में अगर कोई त्रुटि हो तो उसको सुधरना।